नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एसक्री ट्यून्स चैनल में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के बाद आपके जो स्वरों में कहते हैं ना कि मेरे हाई रेंज में नहीं जाते हैं, मैं तार सप्तक में कैसे गाऊं, मुझे ऊंची आवाज़ में गला फटने लग जाता है, या जब नीचे जाते हैं तो और आवाज़ कंपन करने लग जाती है, तो उस चीज़ से आज पर्दा हटने वाला है, तो बने रहें एंड तक। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरा टेक का चैनल है और इसमें कुछ टेक्निकल बातें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पुराने समय में आपको पता है कि जब भी कभी महाभारत या हम रामायण आज देखते हैं, तो हर युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में भगवान ने अवतार लिया, और जब युद्ध होते थे तो कोई ना कोई तीरंदाजी होती थी, तो कहते थे कि ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है, और अलग अलग तरह से पुकारा जाता था। तो आज वो थोड़ी टेक्निक चेंज हो गई, क्योंकि आज का जो युग है, कलयुग की अगर हम बात करें, तो आज एटम बम जैसे ये सारी चीज़ें आ गई, जो शायद उस वक्त नहीं थी, लेकिन जो उस वक्त के जो ये अस्त्र शस्त्र थे, ये शायद आज से कहीं उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल थे। तो वैसे ही दोस्तों, इस टेक्निक चैनल में भी आपको थोड़ा सा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और समझिएगा बारीकी से कि कैसे आप तार सप्तक के स्वरों को पक्का कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने हमेशा कहा है आपसे कि आप डायरी पेन लेके बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। आपने मंदर और मिड के स्वर, मतलब मंदर सप्तक और मिड रेंज मतलब मध्यम सप्तक, तो उसमें कैसे लगाना है, एक तरीका है, आपने सा से वापस नीचे को जाना। जैसे इसको खड़ज का रियाज कहा जाता है, अब खरज कह देते हैं क्योंकि जो प्रोनंसिएशन है वो समय के साथ चेंज होती रहती है, तो खड़ज या खरज जो भी आपको समझ में आता है वो दोनों आप समझ सकते हैं। तो आपने क्या कहना है, जैसे ये है सा, फिर आप खरज में कैसे आएंगे, सा नी सा, हो सके जितना लंबा आप लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सानी धानी सानी धानी सा आपने ये करना है कि आपने ज़्यादा मंदर में जाना नहीं है, कि आप इतनी लो रेंज में चले जाओ, लो पिच में आप इतना ही मत चले जाइएगा कि आपके गले को प्रॉब्लम आए। तो इसलिए आपने वहीं तक स्वर लगाने हैं जहाँ तक आपकी आवाज़ स्टेबल है। जब आपकी आवाज़ कांपने लग जाए उसके बाद आपने कोशिश नहीं करनी है। जब आवाज़ में वाइब्रेशन आने लगे फिर आपने ज़बरदस्ती कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो आपके स्वर खराब होने की संभावना बनेगी। अब ऊपर कैसे जाते हैं कि आपने आगे के स्वर कैसे लगाने हैं, सा रे सा सा रे गा रे सा सा रे गा मा गा रे सा सा रे गा पा ग रे सा रे ग पा धा पा म ग रे सा रे ग पा धा नी धा पा म ग रे सा सा रे ग म पा धा नी सा
तो दोस्तों हवा भी थोड़ी चल रही है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट। तो आप इनमें जब रियाज करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा आपकी आवाज़ में निखार आने लग जाएगी और हाई रेंज में आप बड़ी आसानी से गाने लग जाओगे। कहते हैं कि मंदर सप्तक में जब आप रियाज करोगे तो हाई स्केल में आपके ऑटोमेटिकली आपके स्वरों में जान आएगी। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय माता दी, जय सनातन।